हे गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट कृष्ण शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कृष्णा गैलरी पे। सो गाइस, आज के इस फोटोशॉप की क्लास में हम एक ब्राइडल रिटचिंग के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर गाइस एक बात बता दूँ, ये वाला रिटचिंग जो है यहाँ पर हम एक ब्रश का यूज़ करेंगे और ब्रश जो है वो हम स्मोथ टूल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइस बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर ही सारा प्रोसेस को सीखेंगे। सो वेलकम बैक गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम जो ब्रश यूज़ करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप ये वाले फोटो एडिटिंग में आप स्किन फाइनर का एप्लीकेशन का भी यूज़ करके कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एक अलग प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरा खुद का प्रोसेस है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो गाइस बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने फोटोशॉप पे एक फोटो खोल के रखा है, ये मेरा ही क्लिक किया हुआ इमेज है, बहुत ही सुंदर इमेज है। अभी गाइस सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ठीक है। और जितना भी ब्लेमिशेस स्पॉट्स व जो भी आपको करेक्शन करना है आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश। उसके बाद गाइस यहाँ से सिंपली क्या करते हैं, इसको इरेज करना शुरू करते हैं। जैसे जो भी पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको क्लिक करके हम जल्दी से इसको ठीक कर लेते हैं। तो गाइस अप्रॉक्स हमारा करेक्शन का जो पार्ट था हमने कंप्लीट किया है। अब गाइस हम सिंपली किसको क्या करते हैं, सबसे पहले कैमरा और फिल्टर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से फिल्टर पे जाके कैमरा और फिल्टर में इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अभी जो भी करेक्शन है उसको करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से हाईलाइट को फोटो पे थोड़ा सा कम करूँगा और शैडो को इनक्रीज कर दूंगा, ठीक है। ये प्रोसेस करने के बाद अभी भी लग रहा है कि मेरे को हाईलाइट ज़्यादा आ रहा है, तो हाईलाइट थोड़ा सा हम और कम कर लेते हैं, देखिए इतना। उसके बाद गाइज अभी 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 फिलहाल के लिए तो कोई भी करेक्शन नहीं है। और जो भी कलर उलर का पार्ट है उसको बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ओके पर हिट करके इस फोटो को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा करेक्शन था वो ऐसा कुछ है, ये देखिए, ठीक है। अभी गाइज इसको फिर से एक बार कंट्रोल जे कर लेता हूँ। कंट्रोल जे का मतलब हुआ डुप्लीकेट लेयर, ओके। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सिंपली यहाँ से ले लूँगा लेशो टूल और इसका जो फैदर है यहाँ पर 10 रखूँगा। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि मेरा जो ये इमेज है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, मैं यहाँ पे 10 फैदर रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, एक सिलेक्शन बनाएंगे, जैसे जैसे मैं इतना पे रखता हूँ और ऐसे करके एक सिलेक्शन बनाते हैं, देखिए ये पूरा एक सिलेक्शन बनाते हैं, ये हमने एक सिलेक्शन बनाया ऐसे करके, जितना तक कवर हुआ मैंने किया। उसके बाद फिल्टर पर जाते हैं, यहाँ से ब्लर पर जाते हैं और यहाँ से गोइजन ब्लर को लेते हैं। अब गोइजन ब्लर का अमाउंट कितना रखना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मेरे मैं ट्यूटोरियल पर्पज से यहाँ पे 12 रखता हूँ, ठीक है। 12 या 10 भी रख सकता हूँ, 10 रखता हूँ, 10 ज़्यादा बेटर रहेगा लगता है, ठीक है, 10 रखता हूँ। ओके पर हिट करता हूँ। तो अभी देखिए, अभी जो हमारा ब्लर का अमाउंट है वो बहुत ही प्रॉपर लग रहा है, देखिए देखने में। अब यहाँ पर पूरा जो स्किन है उसको सबको ऐसे करके हमें ब्लर करना है, ये देखिए ऐसे करके। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल अल्ट और ऐप प्रेस करके यहाँ पे सेम प्रोसेस को अप्लाई कर देता हूँ। अब फिर से हम लोग वही प्रोसेस को करते हैं, यहाँ से एक सिलेक्शन बनाते हैं ऐसे करके और उस पार्ट को ब्लर कर देंगे। हमारा जब सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, कंट्रोल अल्ट और F, ठीक है। तो वो पार्ट हमारा जो है ब्लर हो जाता है। अब इतना जब ब्लर हो गया, अब नीचे के पार्ट जो भी स्किन का पार्ट है सबको हम जल्दी से ब्लर कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस को देखते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे हमने स्किन का जो भी पार्ट था, बड़ा बड़ा पार्ट जहाँ पे हम सिलेक्शन कर सकते थे वहाँ पे हमने ब्लर किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैनुअली अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से लेते हैं स्मॉल टूल और हमारा जो ब्रश है यहाँ पे देखिए, स्किन जो भी स्मूथ ब्रश है ये रहा स्मूथ ब्रश, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली उस वीडियो में, और वहाँ पर एक वीडियो भी होगा जहाँ पर आप देख के आप पूरा जो प्रोसेस होता है उसको लोड करने का और कैसे करके यूज़ करने का है वो भी आपको डिटेल वहाँ पर है अवेलेबल, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं एक बार। जैसे यहाँ से मेरा वैल्यू 18 यहाँ पे देखिए। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको पेंट करना शुरू करता हूँ। ये देखिए जो भी पार्ट हमारा जहाँ पर हमने उस मतलब ब्लर को अप्लाई नहीं कर पाए वहाँ पर हम इसको सिंपली पेंट करना शुरू करते हैं। आप बहुत ही आसानी से इसको पेंट कर सकते हैं, देखिए
ये देखिए, आपको ध्यान करना है जहां पर शेडो है शेडो में करना है, और जहां पर हाईलाइट है उसको हाईलाइट में ही घुमाना है। अगर आप हाईलाइट को शेडो में लाएंगे तो वहां से कलर जो है वो इधर आ जाएगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। आप जितना इस काम को करिएगा उतना आपका काम परफेक्ट होगा, और उतना ही अच्छा इमेज पे पूरा जो रिटचिंग करने के बाद का जो भी प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा ही खिल के आएगा। ये देखिए, हम इस पार्ट को भी ब्लर कर लेते हैं पूरा। अभी मैं यहाँ पर शेडो है वहां पर शेडो पर ही कर रहा हूँ, जहां पर हाईलाइट है उसको हाईलाइट पे ही रख रहा हूँ। दोनों को मिक्स कर नहीं कर रहा हूँ, मिक्स करने से बाद में क्या होगा कि आपका जो शेडो और हाईलाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा। सो गाइस, अगर आपका ब्लर का पार्ट अगर कंप्लीट लग रहा है आपको कि आपका ब्लर का पार्ट पूरा कंप्लीट है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस लेयर को हाइड करके दिखाऊँ तो ये हमारा रॉ इमेज था जहाँ पर हमने मतलब प्रोसेस को शुरू किया था, ब्लर का प्रोसेस। ये देखिए, ब्लर करने के बाद कुछ ऐसा आता है इमेज। उसके बाद गाइस अभी सिंपली क्या करते हैं, ये वाला जो लेयर है इसको कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट बनाते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद आप देखिए ऊपर आ गया। उसके बाद गाइस इसको फिल्टर में जाइए, अदर में जाइए और यहाँ से हाई पास का ऑप्शन ले लीजिए। हाई पास का वैल्यू यहाँ पे फिलहाल मैं 2 रखता हूँ और इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको ओवरले पे रखूँगा। और गाइस अभी देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये मेरे को जो हमने हाई पास डाला है वो पूरे इमेज पे मुझे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमारा इमेज का फोकस है सिर्फ वही पार्ट पे चाहिए। तो मैं इसको मास्क कर लेता हूँ और कंट्रोल आई करके इसको इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स करने के बाद आपको ब्रश टूल लेना है और कलर लेना है वाइट, और यहाँ पे ऑपेसिटी फ्लो 100 रखिए और इसका हार्डनेस को स्मूथ रखिए यानी 0 पे रखिए, और यहाँ पे आप पेंट कर दीजिए ऐसे करके। ये देखिए, सिर्फ हमारा इमेज का फोकस फेस पे है तो हम फेस पे ही पूरा जो मतलब हाई पास का ऑप्शन है उसको यूज़ करते हैं। आप एक बार और यहाँ पे कंट्रोल जे करिएगा तो ज़्यादा डिटेल्स आ जाएगा। आपको देखना है कि आपको कितना डिटेल्स को यूज़ करना है अपने इमेज पे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स यूज़ करूँगा, लगभग 2 बार यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा वैल्यू को कम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब हमारे यहाँ पे डज एंड बर्न का पार्ट है। सो गाइस, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको लेना है एक नया लेयर जिसमें आपको डालना पड़ेगा 50% ग्रे। तो मैंने यहाँ एक नया लेयर लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर एडिट पे जाता हूँ और शिफ्ट F5 भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एडिट पे जाके फिल ऑप्शन को भी ले सकते हैं। फिल को लेने के बाद 50% ग्रे को आप सिलेक्ट करिए, ओके पर हिट करिए। ओके पर हिट करने के बाद इसको सिंपली क्या कर दीजिए, ओवरले पे रखिए। ओवरले पे रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, डज एंड बर्न करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डज एंड बर्न, ठीक है, बर्न और डज, ठीक है। ये 2 ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके पूरा प्रोसेस करते हैं। मैं यहाँ पे अभी बर्न टूल ले लेता हूँ, सॉरी डज टूल ले लेता हूँ, और इसका जो हाईलाइट यहाँ पे देखिए, रेंज हाईलाइट है और एक्सपोजर 8 है। अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँगा तो देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, जो पार्ट हमारा हाईलाइट है इमेज का वो हाईलाइट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोसेस था, ये प्रोसेस को आप देख सकते हैं। सो गाइस, अभी हमारा इमेज का ओवरऑल रिटचिंग का काम भी कंप्लीट है। अब हम आगे का प्रोसेस को देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर आई को हम ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लेना क्या है, एक ब्राइटनेस का लेयर लेना है और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है। कंट्रोल आई करना है फिर से और यहाँ से ब्रश टूल ले लेना है। आपका कलर वाइट होना चाहिए और यहाँ पे आप इस आई का ये जो आई पार्ट है आईरिस का, उसको आप पेंट कर दीजिए ऐसे करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट लग रहा है इमेज। अब हम आगे के प्रोसेस को देखते हैं। आगे का प्रोसेस पे गाइस क्या है, अभी हमें कैमरा रॉ फिल्टर पे जाके इसको थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, एक लेयर बन गया। अभी यहाँ पर हम फिल्टर पर जाते हैं और यहाँ से हम कैमरा रॉ फिल्टर पर जाते हैं।
कैमरा और फिल्टर पे जाने के बाद गाइस हम सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको कलर पे देखना है, जैसे हमारा रेड कलर यहाँ पे एक्टिव है तो मैं रेड कलर को इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ सेचुरेशन का पार्ट में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं रेड को, थोड़ा सा रेड को हम चेंज करेंगे इस टाइप का रेड में। कलर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है गाइस, अगर कलर को आप अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तो इमेज उतना प्रॉपर नहीं लगता है। तो मैं इस टाइप का ग्रीन को इसको ले आता हूँ और यहाँ से सैचुरेशन में ये येलो को भी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा येलो को डार्क कर दूंगा। ये देखिए गाइस, हमने कुछ यहाँ पे बेसिक्स था, जो भी कैमरा और फिल्टर पे हमको चेंजेस करना था वो हमने कर दिया। अब गाइस ओके पर हिट कर देते हैं। ओके पर हिट करने के बाद गाइस हमारा इमेज कुछ ऐसा लगता है। देखिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक ओवरले लेयर डाले, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ करा था ये कुछ ओवरले टाइप का इफेक्ट के लिए, तो उसको अगर मैं अगर लाना चाहूँ तो यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ आपका ग्रेडियंट टूल, और यहाँ से कलर को हम चेंज करके कुछ येलो कलर ले लेते हैं, जैसे इस टाइप का येलो कलर ले लेते हैं और एक बार पेंट कर लेते हैं ऐसे करके। अब इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आप ओवरले पे रख दीजिए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए। सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है एडिटिंग का वो समझ में आया होगा, कि ये वाला जो ट्रिक है ये मैं बेसिकली बहुत टाइम यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अगर आप इसको स्किन फाइनर एप्लीकेशन में यूज़ करिएगा तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, एक क्लिक में आपका काम हो जाता है। तो गाइस मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप मुझको कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है। चलिए गाइस आज के लिए विदा लेते हैं।